अच्छा, ये दही बड़ा मसाला है, ख़ास चीज़ है। अमूमन जो है दही बड़े के ऊपर गार्निशिंग होती है, वो मसाला मौजूद है इनके पास। प्राइस है 80 रुपये पाव। ये भी 80 रुपये पाव है। कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी कम है, आप बाज़ार से लें तो सिर्फ एक जो है 20 रुपये की मिलती हैं। आप देखें ये कितने का है, 50 रुपये के 100 ग्राम। अच्छा, सारे 100 ग्राम के पैकेट हैं इनके पास ज़्यादातर। और ये बूंदियाँ ये कौन सी हैं, ये पाव वाली भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये चिप्स, ये 90 ग्राम का पैकेट है 60 रुपये का। अच्छा, रेट इनके बड़े रीज़नेबल हैं, बहुत मुनासिब हैं रेट। ये सादे वाले हैं लेना चाहें तो ही। और ये जो है क्रिंकल है मसाले वाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं ताज राज। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर आए हैं हम आपके लिए। और कराची में एक बहुत ही अहम जगह है मेमनों का जो इलाका है करीमाबाद। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के निम्को मिलते हैं, जिसका नाम है पप्पू निम्को। तो ताऊ भाई, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जी भाई, जैसा राशिद भाई ने बताया कि पप्पू निम्को, अच्छा निम्को की ख़ास बात ये है कि निम्को पूरे मेरे ख्याल से कराची भर में खाए जाते हैं, और अमूमन ये स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं मेहमान आएँ और या घर में आप अमूमन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ख़ास बात यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर निम्को बनते हैं और रोज़ाना ही सेल होते हैं, यानी कि आपको बासी माल नहीं मिलेगा, रोज़ आएँ आप और फ्रेश माल लेके जाएँ। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। आ गए जी हम लोग पप्पू निम्को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान। कौन कौन से आइटम मिलते हैं बताइए? निम्को के सारे आइटम हमारे पास होते हैं, जैसे चेवड़ा है, दाल मोट है, सेव है, मिक्स है, फली है मसाले वाली, और चाट मसाला, दही बड़ा मसाला, दही बूंदी है, और इसके अलावा चाट पापड़ी है। हर मटेरियल हमारे पास जो हमारे ग्राहकों को पसंद है वो सारी आइटमें होती है हमारे पास। चलें तो फिर देखते हैं, तो नाज़रीन फिर देखते हैं इनकी शॉप पे क्या क्या आइटम है और चल के ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। आइए ताऊ भाई। अच्छा, ये बूंदियाँ क्या है साहब? ये 350 रुपये के जी। 350 रुपये के जी जी। बेसन की होती है, मूंग मिक्स है, मूंग माश का आटा मिक्स। और क्या क्या आइटम आपके पास मौजूद हैं? 100 ग्राम का पैकेट है 30 रुपये का। अच्छा, ये चाट मसाला आप कब जी तैयार जी अपना तैयार करता है? 300 रुपये के जी, 30 रुपये का पैकेट है 100 ग्राम। रमज़ान के हवाले से आपके पास क्या खास आइटम है जो रनिंग आइटम है? दही बड़ा मसाला है, ये भी 40 रुपये का पैकेट है, 400 रुपये के जी। सही है। अच्छा, ये दही बड़ा मसाला है, ख़ास चीज़ है। अमूमन जो दही बड़े के ऊपर गार्निशिंग होती है, वो मसाला मौजूद है इनके पास, और कह रहे हैं अपना जो इनके मसाले हैं, अपने स्पाइसेज हैं, उसको खुद ये बनाते हैं, तैयार करते हैं। अच्छा, ये पापड़ी भी आप देखें यहाँ पे इनके पास मौजूद है, पूछते हैं इनसे कितने की है। ये भी अमूमन चने चाट में, दही बड़े वगैरह में इस्तेमाल होती है। ये कितने की है? ये 35 रुपये की है, 100 ग्राम का पैकेट। 35 रुपये की है 100 ग्राम। मैंने खाई हुई, बहुत अच्छी होती है, क्रिस्पी होती है। वैसे भी आप जो है वो आप इसको खाते रहें और हाथ नहीं रुकेगा आपका। और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं आपके पास? ये बड़ी पापड़ी है, और ये भी दही बड़े में, चाट में इस्तेमाल होती है और बच्चे वैसे भी खाते हैं। इसकी क्या प्राइस है? 80 रुपये पाव। ये भी 80 रुपये पाव है। कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी कम है, आप बाज़ार से लें तो सिर्फ एक जो है 20 रुपये की मिलती हैं। आप देखें 80 रुपये में कितनी अच्छी खासी क्वांटिटी है। और ये क्या मौजूद? मूंग की दाल है। ये कितने की है? 40 रुपये का पैकेट है, 100 ग्राम का। 40 रुपये का पैकेट है 100 ग्राम का। और ये कितने का है? 50 रुपये के 100 ग्राम। अच्छा, सारे 100 ग्राम के पैकेट हैं इनके पास ज़्यादातर। और ये बूंदियाँ ये कौन सी हैं? ये पाव वाली भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये चिप्स, ये 90 ग्राम का पैकेट है 60 रुपये का। अच्छा, रेट इनके बड़े रीज़नेबल हैं, बहुत मुनासिब हैं रेट। ये सादे वाले हैं लेना चाहें तो ही। और ये जो है क्रिंकल है मसाले वाले। मूँगफली भी अच्छी मिलेगी ना? मूँगफली कितने? 35 रुपये का पैकेट है मूँगफली का।
रात में आपने खाना हो तो आप चुगने के लिए जो है वो देखते हुए आप खाएं और हमारा व्लॉग भी देखें। जो पप्पू निम्को है इसका एड्रेस जो है ये सामने करीम आबाद बैंक अलबी वाली गली है। इस गली में आके उल्टे हाथ पे ये मांडे वाले बैठे हैं, मांडे वाले के बिल्कुल साथ ही है पप्पू निम्को। अच्छा कहीं बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ तो बस ये पहचान है इसकी, येलो रंग का इन्होंने लगाया हुआ ये शेड और ये इसका काउंटर है। आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त हमने दुकान दिखा दी है जो आप रमज़ान के हवाले से भी आप चीज़ें ले सकते हैं और रमज़ान के बाद ईद आएगी तो ईद ज़बरदस्ती दुकान है और इसमें आइटम्स जो है ना ठीक ठाक हैं, कलेक्शन बहुत ज़्यादा है बिल्कुल। और ख़ासकर जो बाज़ लोग मैंने देखा अफ्तार में ना ये चीज़ें पसंद करते हैं खाना, चिप्स वगैरह ये चीज़ें भी लोग खाते हैं, लेकिन ख़ासकर जो ईद का मौका होता है उसके लिए और अच्छी है ये बिल्कुल। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर किसी नए व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।